Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 3-9. Our subject is chemistry. Here we are studying unit number 2, structure of atom. And today our topic is uses of isotopes. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आइसोटॉप्स के यूजेस स्टडी किए थे, तो आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग आइसोटॉप्स के यूजेस हैं वो स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल इन केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन में इनको यूज़ किया जाता है और किस तरह से किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में इनको यूज़ किया जाता है. द रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसको फॉलो करते हुए रेडियो आइसोटॉप्स यूज़ किए जाते हैं. अब इसमें होता ही है कि जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं उनमें से ऑटोमेटिकली रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से खुद भी शुआएँ जो हैं वो निकलती रहती हैं, तो वो क्या करती हैं कि उस एलिमेंट को जो स्ट्रक्चर है उसको हाईलाइट कर देंगे. तो इस तरह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमिन किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल C14 को यूज़ किया जाता है टू लेबल कार्बन मोनोऑक्साइड. C14 को किसकी लेबलिंग के लिए यूज़ किया जाता है? CO. एस कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ यूज बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसेंथेसिस. इसको जो वो प्लांट्स हैं वो फोटोसेंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज बनाने के लिए. तो जो इसकी मूवमेंट है वो किस तरह से डायरेक्ट होती है? थ्रू वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू ग्लूकोज. तो ग्लूकोज बनाने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए इसकी मूवमेंट्स को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं दीज आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं बाय कैरिंग आउट कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. कौन से रिएक्शन को कंट्रोल करते हुए? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करते हुए. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होते हैं? न्यूक्लियर यानी कि रिलेटेड टू न्यूक्लियस, और फिशन का मतलब होता है फट जाना. तो वो रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियस हट जाता है, बस्ट आउट हो जाता है, उनको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस. रिएक्शन किसके अंदर किए जाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. दीज आर स्पेशल कंटेनर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनके अंदर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. तो इसको कंट्रोल करते हुए, इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, बिकॉज इस प्रोसेस के दौरान भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल when U-235 इज़ बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स. जब U-235 के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है, तो जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाता है और क्या प्रोड्यूस होता है? बेरियम-139 एंड क्रिप्टो-94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ से ये आपने जो रिएक्शन है वो याद रखना है कि जब यूरेनियम-235 के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है, तो उसके नतीजे में जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाता है और किस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है? बेरियम-139, क्रिप्टो-94 और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स की. और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है. इस एनर्जी को क्या किया जाता है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स. तो इस एनर्जी को वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि पानी को जो है भाप में कन्वर्ट किया जाता है इन बॉयलर्स. तो पानी को भाप में किस में कन्वर्ट किया जाता है? बॉयलर्स में. द स्टीम, ये जो भाप इस तरह से जनरेट हुई होती है, ये ड्राइव्स करती है टरबाइन को. तो ये जब टरबाइन चलती हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी जो है वो पानी को भाप में कन्वर्ट करती है. वो जो भाप है वो टर्बाइंस को चलाती है और वो टर्बाइंस जो हैं इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं. दिस इज़ द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी. तो ये जो है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, तो ये जो है वो एनर्जी का एक पुरअमन तरीके से इस्तेमाल है जिसके फॉर्म को फ़ायदा भी पहुँचता है. तो हम जो है वो प्रीवियस ट्रैक्शन जो है उसकी इक्वेशंस को देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो यूरेनियम-235 है जिसके ऊपर हमने जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की तो इसकी बस्टिंग हो गई किस में? बेरियम में, क्रिप्टोन में और उसके साथ
सकते हैं न्यूट्रॉन्स और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, और इस एनर्जी को हम बहुत सारे पर्पजेस और बहुत सारे बेनिफिशियल पर्पजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन अगेन आस्क। थैंक्स एंड टेक केयर।